राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। करारी क्षेत्र की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, नजमुल हसन। आइए देखते हैं पोल सिंह लोधी की कवरेज। कौशाम्बी से राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता नजमुल हसन रिजवी ने करारी कस्बा सहित क्षेत्र की ध्वस्त कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतिदिन लूट, हत्या, दुराचार, बलात्कार जैसी घटनाओं से जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। जहाँ एक तरफ महंगाई से जनता परेशान है, वहीं आवारा पशुओं से भी किसान परेशान है। दूसरी तरफ बढ़ रहे अपराधों से जनता पूरी तरह भयभीत है। नजमुल हसन रिजवी ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि करारी कस्बा व करारी क्षेत्र में बढ़ रहे लगातार अपराधों से गरीब किसान मजदूर भय के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहा है। न बच्चे सुरक्षित हैं, न महिलाएं, और गरीब किसान मजदूर न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में कानून का राज नहीं, अपराधियों और असामाजिक तत्वों का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर कई हत्याएं और लूट, दुराचार, बलात्कार जैसे छिनैती लगातार जारी हैं। करारी कस्बा में पुलिस गश्त बिल्कुल बंद है। चोरों के आतंक से गरीब व्यापारियों का जीना दूभर हो चला है। कस्बा इंचार्ज विमलेश सिंह अवैध वसूली में सारा दिन व्यतीत करते हैं। नजमुल हसन ने करारी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर एसपी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र ठोस कार्रवाई किए जाने व फेरबदल की मांग की है। बैठक में मौजूद मोहम्मद चमन, अशरफ हुसैन, रामा नारायण, सरोज जगलाल कोरी, राम प्रकाश गौतम, इंद्र प्रसाद मौर्य, राजेश सिंह पटेल, छेदी चौरसिया, सखावत उर्फ बन्ने मियाँ, अब्दुल कवि, अब्दुल अली, हरीश चंद्र विश्वकर्मा और भी दर्जनों लोग मौजूद रहे।